नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथ आलोक में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे। जैसा कि कल की क्लास में हमने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाया था वेद, और आप लोग उसको देखिए, आप मुद्दा ये नहीं है कि आप पढ़ कहां रहे, मुद्दा ये है कि जहां से मिले वहां से पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी संस्था में जोरों शोरों से भारी मात्रा में आर ओ आर ओ का बैच प्रारंभ हो चुका है, और आप इस बैच से जुड़ने के लिए, आप अधिकारी बनने के लिए केवल कुछ नहीं करना है, जो दिन भर आप व्हाट्सअप करते हैं, एक नॉर्मल सा व्हाट्सअप करना है आपको, एंट्री आर ओ आर ओ लिखकर आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है, उसके बाद आपको इस बैच से जोड़ दिया जाएगा और आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इन तमाम बातों के अलावा, जैसा कि मैं कह रहा था कि मैंने कल की क्लास में एक ऐसा टॉपिक आपके लिए उठाया था जो कि आपके लिए एक आवश्यक टॉपिक था, और वो था वेद। और मैंने ये भी कहा था कि इस बार एग्जाम में यहां से एक ना एक प्रश्न अवश्य रहेंगे। तो आज का भी जो मैंने टॉपिक उठाया है वो है बाबर। बाबर टॉपिक इसलिए उठाया है दोस्तों, क्योंकि बाबर से पिछली बार आपके समीक्षा अधिकारी में एक सवाल आया हुआ था कि शाहरुख नामक सिक्के किसने चलवाए थे, और ये एक विवादित प्रश्न था। इसका आंसर की नहीं निकला था, इसमें स्टार मार दिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि बाबर ने चलाए, कुछ लोगों का मानना था कि इसको भारी मात्रा में हुमायूं ने चलाया। क्योंकि ऑप्शन में बाबर और हुमायूं दोनों था, इसीलिए कमीशन ने इसके आंसर को व्याख्याओं के रूप में नहीं देकर वहां पे स्टार मार कर दिया। खैर, बाबर का टॉपिक उठाने का रीजन इसलिए है क्योंकि कमीशन ने अगर बाबर को छेड़ा है, नहीं बाबर ऐसा कुछ छेड़ने वाली चीज थी नहीं, मतलब अगर उसके टॉपिक को छेड़ा है तो लॉजिक सी बात है आगामी एग्जाम में वो फिर से बाबर से सवाल अवश्य पूछेगा, और आपको बाबर से सवाल आएगा ही आएगा। रीजन ये है, अकबर सभी पढ़ते हैं, औरंगजेब सभी पढ़ते हैं, क्योंकि ये मुगल काल के परवर्ती काल माने जाते हैं। बाबर एक धीरे धीरे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता जा रहा है, एनटीपीसी के एग्जाम में भी बाबर के सारे युद्ध पूछे गए अलग अलग शिफ्ट में, ठीक है। उसके साथ साथ एक और एग्जाम हुआ था, उसमें भी बाबर से सवाल आए थे, ठीक। एमपी के भी एग्जाम में बाबर से सवाल आया था, आप देख सकते हैं। अगर मैं ये बातें कहता हूं तो मैं चाहता हूं आप देखिए, तो इस एग्जाम में भी हो सकता है, मैं कल की तरह 100% श्योर नहीं पर 90% श्योरिटी से इस बात कर सकता हूं कि बाबर से अवश्य आपको सवाल आएगा, क्योंकि भारत में मुगल सत्ता का जो स्थापित हुई या जिसने मुगल सत्ता की स्थापना की वो था बाबर। जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा इसका पूरा नाम था। मिर्जा, एक बार ऐसे स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमारे एक दोस्त को कहा गया कि लिखिए बाबर के पिता का नाम, तो उसने मिर्जा की जगह मिर्चा लिख दिया, तो मिर्चा नहीं मिर्जा नाम था बाबर। जनरली अगर बाबर का भारत में इतिहास देखा जाए तो वो 1526 से 1530 तक है। अच्छे से पढ़ेंगे, बड़ा टॉपिक है, मजा आएगा पढ़ने में, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, बाबर। देखिए, भारत में जो मुगल सत्ता की स्थापना हुई उसका दो फेस किया गया। एक फेस किया गया बाबर से औरंगजेब तक, और फिर औरंगजेब के बाद जो शासक हुए उसको बहादुर शाह जफर द्वितीय तक। कहने का मतलब 1526 से 1707 तक, और 1707 से 1857 तक। बाबर की कहानी अगर भारत के इतिहास में देखा जाए तो लोग इसको पानीपत का युद्ध पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, खानवा का युद्ध पढ़ा देंगे आपको, चंदेरी का युद्ध पढ़ा देंगे, घाघरा का युद्ध पढ़ा देंगे, और लोग वो बस में जो किताबें मिलती हैं 10 रुपए की, उसमें ट्रिक है पान खाकर चबा कर घर चला, ठीक है। तो ये तमाम बातों को हटाकर बाबर की जीवन ही क्या है, क्यों बाबर सक्सेस हुआ, बाबर में ऐसी क्या खास बात थी कि वो समरकंद छोड़कर भारत क्यों आया, क्योंकि बाबर को कभी भारत नहीं चाहिए था, उसको मध्य एशिया का क्षेत्र चाहिए था, वो था समरकंद। उसने इसीलिए 1497, 1598 और 1501 में 3 बार समरकंद पर आक्रमण किया। जनरली जो बाबर था ये हाइब्रिड था। हाइब्रिड कहने का मतलब कि इसके जो पिता थे वो तैमूर के 5वें वंशज थे, और इसकी जो माता थी वो चंगेज की 14वीं वंशज थी। चूंकि इसके पिता तैमूर वंशज के थे और माता चंगेज वंशज की थी, यही कारण है कि बाबर को चगतई वंश का कहा गया। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतलुग निगार था। और ये आप जानते हैं, ये साइंटिफिक प्रूव्ड है कि अगर ऐसा, लोग साइंस कहते हैं पर मुझे ऐसा नहीं लगता, साइंटिफिक प्रूफ है, अगर किसी दो अलग इंटरकास्ट में विवाह होता है या किसी दो अंटर रिलीजन में विवाह होता है या
या क्या कहते हैं इंटरनेशनल विवाह होता है, तो कोई ना कोई मतलब उसमें एक हाइब्रिड वाला प्रोडक्ट आता है और उनके अंदर एक शक्ति अलग सी होती है, एक सोचने समझने की पावर अलग से होता है। और मैं कह रहा हूं तो मतलब ये नहीं कि आप ये सब करने लगेगा, मेरा कहने का मतलब ही साइंटिफिक प्रूफ है इसलिए मैं कह रहा हूं। तो बाबर की अगर खास बात किया जाए, तो जैसे मैंने अभी आपसे क्या कहा कि बाबर के पिता का नाम, ठीक है, पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, किस वंशज के थे, तैमूर वंशज के, पांचवी पीढ़ी मान लेते हैं, ठीक है। माता थी कुतलुग निगार, चंगेज वंशज, तो चूंकि इसके पिता तैमूर वंशज के थे और माता चंगेज वंशज की थी, यही कारण है कि हम इनको एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं चगतई वंश, चगतई वंश, ठीक। जैसे कि ऐबक मामलुक हो गया, इल्तुतमिश सिलवरी हो गया, तुगलक वंश, कोरोना हो गए, उसी प्रकार जो बाबर था वो था चगतई वंश का, ठीक। बाबर के पिता का देहांत हो जाता है, फिर उसकी दादी के सहयोग से ये फरगना का शासक बनता है। इसकी दादी का नाम एहसान दौलत बेगम था, ठीक। इसकी दादी का नाम क्या था, दादी का नाम एहसान दौलत बेगम। तो ये अपनी दादी एहसान दौलत बेगम की सहायता से क्या हुआ कि पहले सहायता से, समझिएगा, सहायता से बाबर फरगना का शासक बना तो बना, लेकिन इसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान था, वो था समरकंद। एक बार जब इसने आक्रमण किया 1497 में, 100 दिन तक शासन किया, फिर जब इसने आक्रमण किया तो कुछ महीनों तक, 8 महीनों तक शासन किया, लेकिन पंद्रहा का जो शासक था सैयबनी खान, एक बार ये पीसीएस में सवाल आया था कि बाबर को किसने पराजित किया था। जनरली भारत के इतिहास में बाबर कभी पराजित नहीं हुआ था। बाबर जब पराजित हुआ था तो सरेपुल के युद्ध में पराजित हुआ था, और सरेपुल का जो युद्ध लड़ा गया वो 1501 ईस्वी में लड़ा गया। सैयबनी खान ने क्या किया कि सरेपुल के युद्ध में 1501 में बाबर को पराजित कर दिया। बाबर हारे और भागे वहां से, बुरिया बिस्तर बांध के भागे। उसके बाद वो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में क्या हुआ, छुपने का स्थान खोजा, वहां पर अपनी वृद्ध मां के पास गया, ठीक है। दिवाखट नामक एक गांव था जो कि अफगानिस्तान में था, दिवाखट गांव में बाबर वहां पर गया और वहां पे उसकी मां थी कुतलुग निगार। अपनी वृद्ध मां से वो कहानी सुना अपने पूर्वजों की, कैसे तुम्हारे पूर्वज तैमूर ने भारत को लूटा था, भारत में नरसंहार किया। तो इसके मन में भी फीलिंग आई कि अरे हमारा पूर्वज कर सकता है तो हम काहे नहीं कर सकते, ठीक है भाई आप कर सकते हैं, करने से किसने मना किया। क्योंकि इसकी मां ने इसके पूर्वजों को इसकी कहानी बताई कि कैसे आपके पूर्वजों ने भारत पर आक्रमण किया, भारत को जीता, तो आप क्यों नहीं भारत पर आक्रमण कर सकते। मन में इसके कहीं ना कहीं बैठ गया कि मुझे भारत पर आक्रमण करना है, मन में बैठा। फिर लेकिन उसी समय क्या हुआ कि 1510 में क्या हुआ कि इस्माइल खान ने सैयबनी खां को पराजित करके समरकंद पर अधिकार कर लिया। जब उसने समरकंद पर अधिकार किया तो समरकंद में राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई, और बाबर ने इसी का फायदा उठाया और उसने 1511 ईस्वी में इस्माइल खां की सहायता की और समरकंद में विद्रोह कांत किया और समरकंद को अपने कब्जे में कर लिया। लेकिन क्या हुआ कि इस समर जो 1511 में जो समरकंद का युद्ध लड़ा बाबर, इसमें क्या हुआ कि इसने सिया, जो सिया सुन्नी दो संप्रदाय होते हैं इस्लाम धर्म में, इसने सिया मुस्लिम की सहायता ली। लेकिन समरकंद में जो है वो सुन्नी संप्रदाय के लोग रहते थे जिन्होंने बाबर का विरोध किया। एक बात कहा जाता है और वो कभी कभी सही हो जाता है कि हम नसीब में कितनी भी मेहनत कर लें, अगर हमारे पास नहीं लिखा है वो, तो हम उसको नहीं पा सकते। समरकंद में ये बेचारा हारा, फिर इस्माइल खां की सहायता की, फिर समरकंद पर अधिकार किया, लेकिन वहां की जनता ने ही नहीं चाहा कि बाबर जो है वो यहां पर शासन करे। और उसके बाद 1511 में क्या हुआ कि बाबर हमेशा के लिए समरकंद को खो दिया।
जब उसने हमेशा के लिए समरकंद को खो दिया तो उसके पास एक ही ऑप्शन बचा जो उसकी मां ने उसे कहानी सुनाई थी, और वो आक्रमण था। कहां का आक्रमण? भारत का आक्रमण। तो दो तीन बातें मैं आपको बता देता हूं, चूंकि पीसीएस में पूछा गया, हो सकता है समीक्षा अधिकारी में आपके आ जाए। तो हमने आपको क्या एक दो पॉइंट आपको लिखा देते हैं, समझ जाइएगा कि 1511 ईस्वी में सरे पुल के युद्ध में सैयबनी खां, कहीं कहीं साबनी खां भी मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है? फिर आप वो मात्रा का करेक्शन मत करने लगिएगा, तो ठीक है, मात्राओं को समझ जाइए, आप फीलिंग को समझते हैं। सैयबनी खां ने बाबर को पराजित किया और बाबर यहां से भाग गया। परंतु 1511 में इस्माइल की सहायता करके बाबर ने समरकंद पर अधिकार कर लिया। समरकंद की जनता ने बाबर का विरोध किया और अंत में समरकंद हमेशा के लिए बाबर के हाथों से निकल गया। चलिए, समरकंद निकल गया, अब बाबर कहां पर आएगा? भारत। जनरली कई लोग जानते होंगे कि बाबर का भारत पर जो सर्वप्रथम आक्रमण था वो 1526 पानीपत का आक्रमण था, पर मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात आपको बता देता हूं कि बाबर का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 1526 नहीं था, बाबर का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण 1519 में था। बाबर ने 1519 में भारत पर आक्रमण किया जिसमें उसने बाजौर और भीरा का किला जीता, लेकिन जब वो वापस काबुल जाने लगा तो बाजौर और भीरा का किला स्वतंत्र हो गया। 1520 में उसने पुनः आक्रमण किया और बाजौर और भीरा के किले पर अधिकार कर लिया। फिर क्या हुआ कि 1520 में क्या हुआ कि राणा सांगा, दौलत खां और उसके साथ साथ आलम खां लोदी ने क्या किया, बाबर को भारत पर इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। वही कहानी फिर से आई जयचंद और गौरी की, यहां पर आया बाबर। बाबर ने को यह लगा कि जब मुझे इनकी सहायता मिल रही है तो बाबर ने फिर भारत पर एक बार अपना चौथा अभियान किया। चौथे अभियान के बाद बाबर ने भारत में रहने का डिसाइड किया, लेकिन दौलत खां को यह पसंद नहीं आया। दौलत खां ने कहा कि आप भारत में नहीं रह सकते। यह सुनकर बाबर ने क्या किया कि दौलत खां को भीरा के किले में बंदी बना दिया, और बुलाओ लतिया ही जाओगे। इसके बाद जब उसको भीरा के किले में बंदी बनाया गया तो बाबर अब समझ गया कि भारत में राजनीतिक मतभेद है, और इसी राजनीतिक मतभेद का फायदा उठाकर बाबर ने जो भारत में एक सबसे बड़ा युद्ध लड़ा वो था पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को। और कहा जाता है, बहुत सारी किताबें भी लिखती हैं कि बाबर ने सर्वप्रथम तोपखाने का जो प्रयोग है वो पानीपत के युद्ध में किया, लेकिन ये गलत है। बाबर ने सबसे पहले तोपखाने का जो प्रयोग था वो 1519 में जब उसने बाजौर पर आक्रमण किया जिसमें उसने भीरा का किला जीता, उसने उस युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया। जनरली अगर ये कहा जाए कि तोपखाना अलग होता है और आतिशबाजी अलग होती है, अगर पहली बार
बारूद शब्द का प्रयोग माना जाए तो मोहम्मद ने किया था। पहली बार अगर आतिशबाजी का प्रयोग माना जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। लेकिन अगर यह कहा जाए कि पहली बार तोपखाने का प्रयोग किसने किया, तो पहली बार तोपखाने का प्रयोग बाबर ने 1519 में किया, जो कि बाबर का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण था, ना कि पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर का भारत पर पहला आक्रमण था। तो इन दो लाइनों को एकदम ध्यान से आज से सुन लीजिए और दिमाग में नोट कर लीजिए कि बाबर का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण, बाबर का भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण बाजौर पर था, जिसमें बाबर ने भीरा का किला जीता था। सर्वप्रथम इसी युद्ध में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था। आलम खां लोदी, दौलत खां और राणा सांगा ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में मैं आज आपको एक और जानकारी दूंगा। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो इन लोगों के आमंत्रण के कारण लड़ा गया, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये 1526 को लड़ा गया, और इस युद्ध में बाबर की सहायता इन लोगों ने तो की थी, दौलत खान ने नहीं किया था, क्योंकि चौथे अभियान में जब बाबर ने भारत में रहने का डिसाइड किया तो दौलत खान को यह बात पसंद नहीं आई, तो दौलत खां विरोध किया, तो बाबर ने दौलत खां को किले में बंद कर लिया। एकदम समझिए कहानी कैसे क्या हुई। जैसे मान लो फिर उसके बाद क्या हुआ कि क्या कहते हैं कि इब्राहिम लोदी की सहायता ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह ने किया, कुछ आधुनिक इतिहासकारों का मानना है, और वहीं से कोहिनूर हीरे की बात भी आएगी सामने। हुआ क्या, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली से आगरा तक अपना अधिकार स्थापित, और इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा या तुगलमा, ठीक है, दोनों बातें एक, दोनों वर्ड सेम है, ठीक है, तुलुगमा या तुगलमा नीति का इस्तेमाल किया, जो कि उसने उज्बेकों के द्वारा सीखा था। अब ये तुगलमा नीति या तुलुगमा नीति क्या है ये समझिए। जैसे अगर पानीपत मूवी देखे होंगे आप, वो अर्जुन कपूर वाली, तो उसमें देखे होंगे लास्ट में जो नादिर शाह था, मतलब संजय दत्त, वो कहता है सेना चंद्राकार हो जाओ, चंद्रा का मतलब, जैसे मान लीजिए कि ये सामने सेना है, तो ये जो सेना रहती थी, ये सेना अपने सामने वाली सेना को किनारे किनारे से घेरती थी, किनारे किनारे से, और बीच में भी सेना रहती थी, तो ये जब किनारे किनारे से इनको घेरते थे तो ये यहां से इन पर वार करते थे, और यहां से तो वार होता रहता था। इसका एक फायदा यह था कि अगर मान लीजिए विपक्षी सेना मजबूत हो रही है तो यह सेना भाग जाती थी अपनी जान बचाकर, ताकि आगे के युद्ध में सुरक्षित रहे। तो इसी को कहा गया तुगलमा नीति या तुलुगमा नीति, ठीक। उसके साथ साथ क्या है कि बाबर ने इसी युद्ध में ईरानियों से उसने सीखा था क्या,
तोप का इस्तेमाल करना, सॉरी तुर्कों से सीखा था तोप का इस्तेमाल करना और ईरानियों से सीखा था बंदूक का इस्तेमाल करना। बाबर ने इसी युद्ध में तोप का इस्तेमाल किया और बंदूक का इस्तेमाल किया। खास बात क्या है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की पैदल सेना का नेतृत्व हुमायूं कर रहा था, घुड़सवार सेना का नेतृत्व कोकुल तास कर रहे थे और तोपखाने का प्रयोग मुस्तफा और उस्ताद अली कर रहा था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने काबुल में सैनिकों को और प्रत्येक काबुल वासियों को चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिसके कारण बाबर को कलंदर की उपाधि से नवाजा गया। इसके साथ साथ पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर ने पानीपत में काबुली बाग नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, जो कि ऐसा माना जाता है कि भारत में मुगलों के द्वारा बनवाई गई सर्वप्रथम मस्जिद है। इसके बाद ही कहा जाता है कि हुमायूं ने जब ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह को पराजित किया था तो उसने कोहिनूर हीरा दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि बाबर को कोहिनूर हीरा क्या कहते हैं, इब्राहिम लोदी की मां हमने दिया था और काबुल में जाकर बाबर ने यह कोहिनूर हीरा हुमायूं को दिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि हुमायूं को यह कोहिनूर हीरा विक्रमजीत सिंह ने दिया। लेकिन खास बात यहां पर जो एक नई बात आपको पता चली होगी कि इसी युद्ध में कोहिनूर हीरा मुगल शासकों में आया और इसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की सहायता किसने किया था, विक्रमजीत सिंह ने किया था। तो इतनी बातों को लिख लेते हैं। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी इसकी सहायता ग्वालियर के शासक विक्रमजीत सिंह ने किया। तो इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्ली से आगरा तक का अपना अधिकार कर लिया। इस युद्ध में बाबर ने तुगलमा नीति उज्बेकों से सीखा था। तोपखाने का प्रयोग तुर्कों से और बंदूक का प्रयोग तुगलमा नीति तोपखाने का प्रयोग और बंदूक का प्रयोग किया था। ठीक, और इस युद्ध में पैदल सेना का नेतृत्व हुमायूं तोपखाने का नेतृत्व उस्ताद अली और मुस्तफा तथा
घुड़सवार सेना का नेतृत्व, गोकुलदास, और मोहम्मद अली जंग कर रहे थे। इसके साथ साथ पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने काबुल में चांदी के सिक्के बंटवाए थे। जिसके कारण इसे कलंदर की उपाधि से नवाजा गया। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने पानीपत में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला जो युद्ध हुआ वो था खानवा का युद्ध। ये समझ के रखिएगा कि पानीपत के युद्ध से ज्यादा खानवा का युद्ध महत्वपूर्ण है। अगर पूछा जाए कि भारत में पूर्ण रूप से मुगल सत्ता की स्थापना हम किस युद्ध से मानेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा खानवा का युद्ध। बात यह है कि बाबर को अब भारत चाहिए था, समरकंद तो हाथ से निकल चुका था, तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ही चाहिए था। बाबर ने राणा सांगा पर यह आरोप लगाया कि पानीपत के युद्ध में इसने मेरी सहायता नहीं की। भाई राणा सांगा कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं था, ठीक है, अमेर, अजमेर, मारवाड़, ग्वालियर, इसकी तमाम बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ा गुट इसने बनवाया। लेकिन एक ज्योतिषी था मोहम्मद सफी। मोहम्मद सफी ने बाबर से कहा कि बेटा तुम जीत ना पाओगे, तुम चले जाओ। बाबर ने कहा मैं ठहरा हाइब्रिड, मैं कैसे नहीं जीत पाऊंगा। बाबर के दिमाग में मंथन चलने लगा और बाबर ने यहां पर जिहाद को आधार बनाया। जिहाद माने धर्म युद्ध। इसने सभी मुस्लिमों को कहा एक साथ हो जाओ और इस युद्ध में मेरा साथ दो। कहा जाता है कि इस युद्ध को लड़ने के लिए बाबर ने जिहाद को आधार बनाया और उसने कूटनीति अपनाई, जो सैनिकों में तमगा और मीर बहरी कर लगता था उसने उसको समाप्त कर दिया। उसने कहा अगर मैं ये युद्ध जीतूंगा तो तुम्हारे ऊपर मीर बहरी और जो तमगा कर लग रहा है मैं इसको समाप्त कर दूंगा। सैनिक खुश हो गए और सैनिक जोश जोश में आकर बाबर का साथ दिए और खानवा का युद्ध, फतेहपुर सीकरी से 10-20 किलोमीटर दूर है, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को बुरी तरह पराजित किया। कहा जाता है जो सेना का औसत था तो वो 1:2 था, मतलब एक मुगल सेना थी तो दो फिर राणा सांगा की थी। और इस युद्ध के बाद बाबर ने प्रत्येक राजपूतों के सर को उनके धड़ से अलग करवाकर एक गद्दी बनाकर उस पर बैठा और इसी समय इसने गाजी की उपाधि धारण की। लेकिन इस समय एक तुर्क था हसन मेवाती, जिसने राणा सांगा की सहायता की थी लेकिन कोई फायदा नहीं, हारा गया। इसीलिए कहा जाता है कि अपने घर की बातें तीसरे इंसान से शेयर मत करो, वो फायदा उठा ले जाएगा। भाई आप इसको बुलाए ही ना होते तो ये आज ये दिन देखने को क्यों मिलता। तो खानवा का युद्ध तीन तरह से महत्वपूर्ण है। पहला, भारत में पूर्ण रूप से मुगल सत्ता की स्थापना खानवा के युद्ध में, खनुआ भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज मत होइएगा, खानवा या खनुआ के युद्ध से माना जाता। दूसरा, बाबर ने इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की। तीसरा, बाबर ने इसी युद्ध में जिहाद का नारा दिया क्योंकि मोहम्मद सफी ने कहा कि बेटा तुम जीत नहीं पाओगे। तो अगला जो इसका भारत में युद्ध था वो था खनुआ या
खानवा का युद्ध। और अब आप लोग मेरी स्पेलिंग सही मत करने लग जाइएगा, इस युद्ध में ऐसे लिख देते हैं, इस युद्ध में राणा सांगा की सहायता हसन मेवाती ने किया था। ज्योतिषी मोहम्मद सफी ने बाबर को यह युद्ध लड़ने से मना किया था। परंतु बाबर ने जिहाद को आधार बनाकर यह युद्ध लड़ा था। इसी युद्ध में इसने सैनिकों पर लगाए जाने वाले मीर बहरी और तमगा कर को समाप्त कर दिया था। और इसी युद्ध के बाद जनरली गाजी शब्द का अर्थ काफिलों का सरदार होता है या सरों का सरदार, लेकिन यहां पर हम सरों का सरदार कहेंगे। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। चीजों को पहले समझिए फिर लिखिए तो अलग ही मजा आता है। इसके बाद जो अगला युद्ध था वो था चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का 1528। चंदेरी का युद्ध जो हुआ ये, इसमें राणा सांगा का एक बहुत ही विश्वास पात्र था मेदिनी राय। यह युद्ध राणा सांगा के विश्वास पात्र मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। और इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित करके उसकी क्या कर दी, हत्या कर दी। तो चंदेरी का युद्ध जो था यह युद्ध राणा सांगा के विश्वास पात्र मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। जिसमें मेदिनी राय पराजित हुआ। इसके बाद क्या था, अगला जो युद्ध था वो था घाघरा का युद्ध। घाघरा चोली कौन सा था, घाघरा का युद्ध 1529। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, यहां से सवाल आपको बन सकता है। घाघरा के युद्ध की खास बात क्या है कि यह सर्वप्रथम युद्ध था जो कि जल और थल दोनों में लड़ा गया था। बाबर ने अफगानों को समाप्त करते करते बंगाल तक अधिकार कर लिया था, लेकिन इसने पूर्ण रूप से अफगानों को पराजित नहीं किया था। एक अफगान व्यक्ति था शक्तिशाली था, वो था महमूद लोदी। महमूद लोदी ने बंगाल के शासक नुसरत शाह से सहायता मांगी। नुसरत शाह घाघरा के युद्ध में बाबर की सहायता करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कुछ बाद में महमूद लोदी और नुसरत शाह में मतभेद हुआ
इस मतभेद होने के कारण नुसरत शाह ने अपना समर्थन वापस ले लिया और घाघरा के युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित कर दिया। तो घाघरा के युद्ध में, इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी को पराजित किया। और यह सर्वप्रथम युद्ध था जो जल और थल दोनों पे लड़ा गया। ये था बाबर के भारत का इतिहास। एक और खास बात क्या है दोस्तों, याद रखिएगा कि मुगल के जो जो शासकों ने अपनी आत्मकथा लिखी उनका उनका मकबरा भारत के बाहर है। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी में लिखा, तुर्की भाषा में, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद करना चालू किया पायब खान ने, लेकिन पायब खान नहीं कर पाया, जिसका पूर्ण रूप से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया, अब्दुल रहीम खान खाना ने। इसके साथ साथ बाबर ने एक कानून पुस्तक मुबियान की रचना की और एक और उसने पुस्तक की रचना की, रिसाले उसज की रचना की, जिसे खते बाबरी कहा गया। तो बाबर की पुस्तकें तुझके बाबरी तुर्की भाषा, इसका फारसी में अनुवाद पायब खान ने शुरू किया परंतु पूर्ण रूप से इसका अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। अगली पुस्तक थी मुबियान। मुबियान यह कानून पर लिखी गई पुस्तक थी, बाबर ने लिखा है। एक और पुस्तक थी रिसाल ए उसज, इसको खत ए बाबरी भी कहा गया। इसके साथ साथ बाबर ने शाहरुख नामक सिक्के चलवाए थे, लेकिन यह कहना गलत होगा क्योंकि बाबर के साथ साथ इसमें आंसर अगर हुमायूं रहेगा तो आपको फिर वही स्टार आ जाएगा पिछली बार की तरह, ठीक है। लेकिन शाहरुख नामक सिक्के की शुरुआत करने वाला बाबर था। उसके साथ साथ बाबर का एक सेनापति था मीर बाकी, जिसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ बाबर की मृत्यु पहले कहां हुई थी, आगरा में हुई थी, ठीक, मतलब इसको पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में इसकी अस्थियों को ले जाकर काबुल में दफना दिया गया। मतलब बाबर का जो मकबरा है वो कहां पर है, काबुल में है। अन्य बातें जो है, 1530 में इसकी मृत्यु हो गई और इससे पहले
काबुल में दफनाया गया। बाबर की तुलना ट्यूडर वंश के शासक हेनरी सप्तम से की जाती है। इसके साथ साथ मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके साथ साथ बाबर ने शाहरुख नामक सिक्के चलवाए थे। और 1507 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि छोड़कर बादशाह की उपाधि धारण की। बादशाह की उपाधि धारण ये था आपका बाबर। मैं फिर से कह रहा हूं, बाबर को देख लीजिएगा, 90% हो सकता है आपको यहां से प्रश्न आ जाए। ठीक है, कल वेद इंपॉर्टेंट था, आज बाबर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बीच ये थोड़ा सा करंट अफेयर में भी रहा है, तो यहां से सवाल आते हैं, आ भी सकते हैं, लगातार देख रहा हूं, पूछे भी जा रहे हैं। तो फिर आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, बाबर को अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, और आप देखिएगा कि जो कंटेंट्स हम लोग दे रहे हैं वो कंटेंट्स एक हाई लेवल पे जाके दे रहे हैं। इसका रीजन ये है कि अब वो जमाना गया कि आपसे छोटे मोटे प्रश्न आएंगे, तो कंटेंट को थोड़ा सा हाई लेवल दिया जा रहा है ताकि चीजें आप कवर कर सके। ये मत सोचिए कंपटीशन का लेवल हाई हो चुका है, आप लोग अगर एग्जाम दे रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट वगैरह देख रहे होंगे, क्वेश्चंस वगैरह देख रहे होंगे, तो एग्जाम का लेवल अब हाई हो चुका है, तो पुराने कंटेंट से काम नहीं चलेंगे। तो इसीलिए इसको अच्छे से प्रयास करिए। अगली क्लास में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।